विनीत सिंह से इनसे मिला मैं 2011-12 में ही, मेरे पास आए थे। जब मैंने इनकी हालत देखी तो हालत बहुत ही खराब थी, मतलब एकदम पतले दुबले सूखे से हुए। छह महीने एक साल लग के हमने 2 साल में अच्छी बॉडी बनाई। विनीत से जो है 2016 में ही आया था मेरे पास, और इसने कहने लगा कि सर मुझे जो है बॉक्सिंग सीखना है करके, तो इन्होंने आड़े टेढ़े पंच मारना शुरू किया। तो मैंने कहा लेकिन ये फिल्म मैं तुम्हारे साथ बनाऊंगा तो एक ही तरीके से बन सकती है, अगर तुम बॉक्सर बनो तो। जब मैंने विनीत को पहली बार खेलते देखा रिंग पे, ऐसे लगा कि कोई नया बॉक्सर खेल रहा है, यानी कि बॉक्सिंग जीरो। दूसरे दिन आती स्पैरिंग में चढ़ गया, वो ऐसी लगता है कि पागल ही है बंदा, भी अभी हफ्ता हुआ नहीं ट्रेनिंग करते हुए भी आती स्पैरिंग में चढ़ गया। जिस एज में उन्होंने बॉक्सिंग शुरू की उस एज में आके बॉक्सर रिटायर हो जाते हैं। अगर कोई भी लड़का या लड़की किसी भी एज में मेरे पास आ जाए तो मैं उसको बेस्ट सजेस्ट करता हूँ, मैं उसको टीच करता हूँ। आप बैठो, पीछे बैठो, कर लीजिए, पढ़ा जाओ, ठीक लग रहा आपको? टू में जो मेरा राइट है वो चीख के पास आ जाएगा, इसके ऊपर से मेरा फेस देखिए। नियर अबाउट 5 बजे सुबह ये सभी बच्चों से पहले मेरे पास पहुँच गया। बॉक्सर बनना आसान नहीं है, जो बॉक्सिंग ट्रेनिंग है वो बहुत हार्ड होती है। इनमें सीखने की भूख इतनी थी, कोई भी बच्चा इनको पकड़ के सिखाता था तो ऐसा सीखते थे कि कोई गुरु सिखा रहा हो उनसे। जब ये असेंबली में खड़ा होता तो इसको कोई नहीं जानता था कि ये एक्टर है और ये क्या करने वाला है, और एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह इसने अपने दूसरे बॉक्सर के साथ बिहेव किया। ऐसा नहीं लग रहा था कोई एक्टर बीच में काम कर रहा है, एक अच्छा इंसान उनके बीच काम कर रहा था। जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया इसकी ट्रेनिंग 3 टाइम 4 टाइम, इवन ट्रेनिंग का कोई टाइम ही नहीं रहा इसका। बाद में पता चलता था 3 बजे भी ट्रेनिंग कर रहा है, कभी दिन में 10 बजे ट्रेनिंग कर रहा है, दोपहर को 12 बजे ट्रेनिंग कर रहा है। तो उसके बाद ये स्विमिंग वेट जिम में भी जाता था, पर ये सोचता था कि यार ये बंदा है क्या है। फेस पे इसके पंच लगे, कभी लिप्स कट गए, कभी आईब्रो कट गया। बंदे ने मुक्के खाकर भी हटा नहीं। इनके अपरकट ऐसी जगह पे रिब पे लग गई कि उसी वक्त इनकी रिब टूट गई थी। तो फिर इससे मैं एक दिन घर गया जो इसने रेंट पे यहाँ ले रखा था, तो उसमें इसने सारा बॉक्सिंग का इक्विपमेंट फिट कर दिया। 6 महीने के बाद ऐसे लगने लगा इसकी रिफ्लेक्सेस से, मूवमेंट से, कि जैसे कोई 6 साल पुराना बॉक्सर। फिर वो 1 साल के बाद मुझसे आके उन्होंने वापस मिला। तो देखा तो जो कमाल इन्होंने किया उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। जब आप किसी चीज को इस हद तक करोगे तो किसी भी लेवल की अचीवमेंट जो वो पॉसिबल है। Bye.
ये पैसा नहीं हमारा, पैसा